मैं अपने पड़ोस में जा रहा था, एक बाबा खड़ा था, मई दरवाजे में खड़ी थी। मुझे बाबा मशकूक नजर आया। मैं कहा बाबा मई के सारे जेवर ले जाएगा। मई से कहने लगा, मई घर में कोई रुपया पैसा सिक्का है ले आ, तुझे रंग दूं, कोई बड़ा नोट ना ले आना। मई ने मेरे ख्याल में रुपए का सिक्का दिया, उसने ऐसे हाथ में रखा और रुपए के सिक्के में से रेत निकलने लगी। कह रहे ये रेत निकल रही है, तेरी ये बदनसीबी है, अब मैं तेरा नसीब बदलता हूं। रेत जो है ये तेरी बदनसीबी है। अच्छा, उसका अमल ऐसा था कि मैं भी रेत देख रहा था, मेरी आंखों के सामने भी जादू आ गया था। उसका अमल ऐसा था जादू का। उसके बाद कहने लगा, मई ले तेरे नसीब बदलता हूं। फकीर ने चाह पिला दी, कुछ नहीं मंगदा फकीर। चवन्नी से अब ऐसे किया तो छन 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 करके चवन्नियां गिने। कहने लगे अगर अब कोई बड़ा नोट चाहिए तो वो ले आ, वो बड़ा बना दूंगा। अच्छा, मुझे उसी वक्त बेसाख्ता आउज़ बिकलिमातिल्लाहि तामतमिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैइउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ऐसे बेसाख्ता मेरी जुबान पे आया और मुझे कोई कानों में आवाज आई। मैं नहीं कहता खुदा ना खास्ता अल्लाह की आई, नबी की आई, किसी कोई पता नहीं, बस ये आवाज आई और यही आवाज में यह दुआ आई, अल्लाह की मदद आई। और मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। मैं दुआ ऐसे खड़ के पढ़ रहा था, मुझे ऐसे मुड़ के देखता, मौलवी अपना काम कर गरीबों दे खप ना पा आए, उसे पता था जालिम को। मैं खड़ा हो गया एक तरफ कोने में खड़ा हो गया। उसने वो मौलवी का नाम कहा ना, तो मैं ने देखा, अच्छा हजरत साहब आप हैं। और मैं कह जादूगर है, बच जा, मैंने पढ़ाई की है। इसे कहे अब चवन्नी से रेत निकाल के दिखा और चवन्निया निकाल के दिखा। कह निकाल के दिखा। और मैं ये पढ़ रहा था, कोई मेरे पास कोई बड़ा अमल मंत्र वगैरह कुछ नहीं। मेरे कमली वाली की दुआओं से बढ़कर ताकतवर चीज हो क्या सकती। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।